ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर शिवाशादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 31। 31 का हमने श्लोक और अनुवाद देखा था, तात्पर्य देखेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसका अर्थ है कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप ठप हो गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति की। तो भीष्म पितामह का ये अंतिम समय चल रहा है, इसको कहते हैं अंतिम समय, जिस घड़ी में अंतिम घड़ी में जो हमारे मन में स्मरण में दिमाग में जो रहेगा उसके अनुसार शरीर प्राप्त होगा। तो इनके शरीर का, भीष्म पितामह के शरीर का सारा अंग, जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वो कार्य करना बंद कर चुके थे और वो पूर्ण ध्यान से दिव्य चेतना में स्थित होकर के भगवान कृष्ण की दिव्य स्तुति की। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं भीष्म पितामह को। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान की ही एक शक्ति है माया, या बहिरंगा शक्ति माया देवी। तो प्रकृति भी जिसे कहते हैं, तो प्रकृति के द्वारा ही यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। प्रकृति के जो घटक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें पांच स्थूल तत्व है, मिट्टी हवा पानी अग्नि वायु और आकाश, मतलब वायु और हवा दोनों सेम। तो पांच स्थूल तत्व होते हैं जिनसे ये हमारा शरीर बना है। इसके साथ साथ तीन सूक्ष्म भी होते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, आठ चीजों से मिलके ये शरीर बना है। तो ये शरीर भगवान की ही शक्ति माया देवी ने हमको दिया है ना। तो भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने के कारण
भगवान के साथ नित्य संबंध को व्यक्ति भूल जाता है। विष्णु पितामह भगवान के भक्त हैं और जैसे ही भगवान उनके सामने खड़े हुए तो वो माया को भूल गए। जिस माया देवी ने ये शरीर दिया है हमको, उसको वो भूल गए। हम तो माया में फंसे हुए हैं ना। कहते हैं लोग कि ये माया का जगत है, माया की दुनिया है, हम माया में हैं। माया यानी जो सत्य नहीं है, जो असत्य है। माया का पर्दा हमारी आँखों पे चढ़ा हुआ है, इसीलिए हमें सत्य और असत्य का भेद समझ में नहीं आ रहा। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है तो कहा जाता है, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। यानी कृष्ण सूर्य के समान है, सूर्य देवता के समान है, और जहाँ सूर्य देवता रहते हैं वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधेरे के समान है। माया यानी जहाँ सूर्य नहीं है, अंधेरा। तो जहाँ सूर्य आएंगे वहाँ तो अंधेरा समाप्त हो जाएगा अपने आप। तो भीष्म पितामह के सामने कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं तो माया अपने आप समाप्त हो गई, माया नहीं है थोड़ा भी भीष्म पितामह के दिमाग में। हाँ, यदि हम कृष्ण को भगवान नहीं समझेंगे, सामने खड़े हैं कृष्ण पर उनको हम भगवान नहीं मानेंगे, तो माया का नाश नहीं होगा। अगर हम कृष्ण को भगवान मानेंगे ही नहीं, हम उनके साथ दुश्मनी करेंगे, हम उनको गाली देंगे, तो कैसे माया समाप्त होगी? माया समाप्त भगवान की कृपा से होती है। अज्ञानता समाप्त भगवान की कृपा से होती है। जैसे सूर्य देवता तो बाहर प्रकट हैं, खूब प्रकाश दे रहे हैं, और हम काला काला मोटा मोटा चार कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं, चार कंबल के अंदर घुस गए, चार मोटा मोटा काला कंबल लेके उससे अपने को ढक लिए हैं, तो सूर्य देवता का प्रकाश हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। इसी प्रकार कृष्ण सामने खड़े हैं परंतु हम कृष्ण को गाली गलौज कर रहे हैं शिशुपाल की तरह। हम कहते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, तुम क्या चीज़ हो, तुम तो दुष्ट दुष्ट व्यक्ति जैसे बोलता है। तो वैसे में कैसे माया का नाश होगा? माया का नाश तब होगा जब कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे, कृष्ण को भगवान समझेंगे, भगवान कृष्ण की अपने हिसाब से जितनी बुद्धि है वैसी स्तुति करेंगे, तब होगा। तो भीष्म पितामह भक्त थे और इसीलिए उनके यहाँ लिखा है कि कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश दूर हो गया। भीष्म पितामह के अंदर जो भी थोड़ा बहुत भक्त के अंदर भी थोड़ा बहुत कल्मश रहता है ना, उस सारा कल्मश जो बचा खुचा था समाप्त हो गया भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष, मतलब उनकी कृपा से। भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह बहुत बार देख रहे हैं, बहुत पूरे जीवन दर्शन कर ही रहे हैं, परंतु ये जो समय है अंतिम समय, जिस समय शरीर त्याग रहा है कोई व्यक्ति, उस समय यदि भगवान खड़े हैं सामने में आशीर्वाद दे रहे हैं तो समाप्त हो जाएगा भौतिक कल्मश। तो भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, भौतिक कल्मश दूर हो गया और भीष्म पितामह अपने सारे इंद्रियों के कार्य को रोक दिए। इंद्रियां जो हैं, अगर इंद्रियां हमारी शुद्ध हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं तो भगवत सेवा नहीं होगा, तो कुछ और होगा। उससे अच्छा है कि इंद्रियों को रोक दिया जाए। यहाँ भीष्म पितामह इसलिए रोक दिए हैं क्योंकि यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अशुद्ध इंद्रियों, अशुद्ध इंद्रियों के कार्य को रोक दिया, प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं। और दिव्य
पद को प्राप्त होने में समर्थ हो गए। प्रभुपाद लिखते हैं, मूलतः आत्मा और इंद्रियां दोनों शुद्ध हैं, मूलतः यानी कि स्वाभाविक रूप से, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट तो आप समझ गए होंगे आजकल के ज़माने का ये वर्ड है, यानी कि मूलतः स्वाभाविक रूप से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, आत्मा भी शुद्ध होता है। भौतिक कलमश से ही इंद्रियां अपूर्ण और अशुद्ध हो जाती हैं, भौतिक कलमश के कारण। इस दुनिया में आने के बाद इंद्रियां अपूर्ण और अशुद्ध हो जाती हैं, प्रभुपाद के वचन है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी तो हमारे पास इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत हम जाएंगे तो वहां पत्थर की तरह पड़े रहेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे, सोच नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, एक्शन रिएक्शन इंटरैक्शन कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वहां तो बहुत लीलाएं होती हैं, वहां तो हम सखियां सहेलियां सब नाचती हैं, गाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं, जल में केली करती हैं, यमुना माता में गोवर्धन में केली करती हैं, लीला करती हैं, भगवान को बहुत तरह से अलग अलग तरीके से सेवा होती है। अष्ट सखियां जो खड़ी होती हैं भगवान की, जो राधा रानी के बगल में चार, कृष्ण के बगल में चार, आठ सखियां खड़ी होती हैं, तो आठों सखियों के हाथ में कुछ कुछ रहता है, किसी के हाथ में तांबूल, किसी के हाथ में चंवर, किसी के हाथ में मोरपंख, किसी के हाथ में इत्र, ऐसे अलग अलग, किसी के पास मृदंग, किसी के पास करताल, तो अलग अलग प्रकार की सेवाएं सारी सखियां करती हैं। तो बिना इंद्रियों के थोड़ी होगा, अभी हमारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, गुलाम हैं हम भगवान कृष्ण के, रोबोट हो गए हैं, वैसा नहीं होता है। हमारे पास स्वतंत्र इंद्रियां होती हैं, स्वतंत्र विचार करने की शक्ति होती है, सोच सकते हैं हम, जाके राधा रानी को कुछ बता सकते हैं, हम कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं अपने सेवा के माध्यम से। चुटकुले, भगवान कृष्ण बहुत मजाकिया प्रकार के व्यक्ति हैं, आप समझ लीजिए बात को, भगवान कृष्ण ऐसे चुपचाप खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके। भगवान विष्णु भी करते हैं मजाक, पर थोड़ा कम, पर भगवान कृष्ण तो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, भगवान कृष्ण हर समय मस्ती करते हैं। तो उन वो चुटकुले, हास्य परिहास, ये सब उनके उनके जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों के साथ भी मस्ती करते हैं और सखियों के साथ भी मस्ती करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए तो आपके पास इंद्रियां, बुद्धि, मन, चेतना सब चाहिए। आध्यात्मिक जगत में सब होता है, ऐसा डरिए नहीं, अरे बाप रे हमारा क्या होगा, हम तो भगवान के नौकर बन जाएंगे, क्यों जाएं गोलोक धाम, जाके खाली सारा दिन नौकरी करना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, भगवान का बेड ठीक करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बहुत आनंद है, जैसे आप कृष्ण और गोपियों के बीच में आनंद यहाँ देखते हैं, सखाओं के बीच में आनंद देखते हैं, यशोदा माता और उनकी सखियों के साथ वात्सल्य रस का आनंद देखते हैं, उसी प्रकार का आनंद गोलोक धाम में उससे बहुत गुना ज़्यादा मात्रा में होता रहता है। तो जो भक्त यहाँ से जाएंगे गोलोक धाम, चाहे कभी भी जाएं, तो निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बहुत सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय रहने के लिए सब कुछ चाहिए, मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, दिमाग चाहिए, चंचलता चाहिए, बुद्धि चाहिए, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, कथा गानम नाट्यम गमनपि प्रिय सखी चिदानंदम परमपि तदा स्वाद्यम अपि च सयत्र शिराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान। ये सब है ना वर्णन गोलोक धाम का ब्रह्म संगीता में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत आनंदमय है। तो इंद्रियां वास्तव में शुद्ध हैं, इंद्रियां शुद्ध हैं, मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है वास्तव में, पर ये अशुद्ध कैसे बन गया,
इस भौतिक जगत के चक्कर में आके सब प्रॉब्लम हुआ है। जैसे आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, और आपको एक किसी दुष्ट व्यक्ति का संग प्राप्त हो गया, उस दुष्ट व्यक्ति के साथ आप उठने बैठने लग गए, खाने पीने लग गए, समय बिताने लग गए, वो दुष्ट व्यक्ति बहुत चालाक है। आपने कुछ थोड़ी सी बात बोली अपने फैमिली के बारे में कि अरे पापा ने तो मुझे डांटा, ऐसा कुछ बोला, वो उसमें उसको नमक मिर्च लगा करके आपके मन में आपके पिता के प्रति दुश्मनी पैदा कर दी, ऐसा हो जाता है। तो जब हम माया के संपर्क में आते हैं तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है, ये है प्रॉब्लम। तो भौतिक कलमश से ही इंद्रियां अपूर्ण और अशुद्ध हो जाती हैं, किंतु परम शुद्ध भगवान का संसर्ग जैसे ही प्राप्त होता है इंद्रियां फिर से शुद्ध हो जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने किसी दुष्ट का संग प्राप्त किया, उस दुष्ट ने आपको आपके माता पिता के प्रति, आपको पता है, लगेगा कि माता जी क्या बता रही हैं, पर सच बात बता रही हैं। ये जो आजकल इतने सारे डिवोर्सेस होते हैं ना, तलाक, मोबाइल फोन के कारण, व्हाट्सएप के कारण, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पहले के ज़माने में ससुराल जब जाती थी लड़कियां, तो माता बोलती थी कि अपने सास को माता समझना, ससुर को पिता समझना, उनके चरणों की सेवा करना, पति को परमेश्वर समझना, और जैसे गई हो उस घर में तो अब उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए। कहने का मतलब पूरे जीवन वो अब तुम्हारा घर है, ठीक है, ऐसा अपनी भाषा में समझा के माता विदा करती थी चाची, मौसी, दादी सब। और बेटी 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद घर आती थी, पढ़ी लिखी लड़कियां थोड़ा बहुत चिट्ठी वट्ठी लिख देती थी। अब तो विदा हुई लड़की कार से ही व्हाट्सएप मैसेज चालू, वहां पहुंची, क्या खाया क्या नहीं खाया, सास ने क्या बोला चालू, फोन चालू, मैसेज चालू। क्या होता है फिर, यहाँ की जो माता हैं और पिता हैं, जो मम्मी पापा हैं, वो फिर अपनी राय बेटी को देना शुरू करते हैं, और बेटी का धीरे धीरे घर बर्बाद, सबका नहीं जिसका होता है। तो क्या हो जाता है कि हमको, हमारे चेतना को दूषित करने में ये सारा चीज, एक गुरु ने कहा कि आप दूध को गरम करके उसमें जमावन डालते हैं, यानी दही डालते हैं थोड़ा सा, कि दही जम जाए, दूध दही बन जाए, तो उसको 6-7 घंटे छोड़ते हैं ढक करके, जैसे भी करके, तो 6-7 घंटे के बाद उसको खोलते हैं तो दही क्या है, जमा हुआ है, ठीक। अगर उसको 1 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 3 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद, आधा घंटा 1 घंटा के बाद, बीच बीच में खोल खोल के देखते रहें, दही जमा क्या, तो दही जमेगा, कभी नहीं जमेगा, छोड़ दीजिए। उसी प्रकार बेटी का विवाह किया ना, तो छोड़ दीजिए, उसको एडजस्ट होने दीजिए, वो अपने आप सेट हो जाएगी वहाँ पे। अगर आप बीच बीच में घुसते रहेंगे उसके लाइफ में, बेटी कभी सेट नहीं होगी, संभव नहीं है। दान कर दिया ना तो भूल जाइए, कोई आपकी बेटी को मार नहीं रहा है, ससुराल गई है, अच्छे से विदा किए हैं, सेट हो जाएगी, सेट होने में टाइम लगता है, बीच बीच में दखल अंदाजी करेंगे सेट नहीं होगी। तो ये तो खैर अलग टॉपिक ही था जिसको मैंने ले लिया अचानक। तो जब भगवान, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति ने आपके, यहाँ पे इसको मत जोड़िएगा माता पिता के साथ, हम अभी माता पिता को दुष्ट नहीं बोल रहे, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति ने आपके चेतना को खराब कर दिया, और फिर आप वापस अपने पापा के पास गए, मम्मी के पास गए, और आपने बताया उनको कि मुझे इस दोस्त ने ये सब सिखाया है, और पापा मम्मी ने आपको अच्छे से समझाया, तो क्या होगा,
जो सिखाया था कचड़ा वो निकल जाएगा और फिर से आपको अपने पिता और माता के प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार जो माया देवी के संसर्ग में आके हमारी इंद्रियां दूषित हो गई थी, चेतना दूषित हो गई थी, मन अशुद्ध हो गया था, फिर से भगवान कृष्ण का संपर्क जैसे ही हम प्राप्त करते हैं फिर से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण चर्चा सुनो, कृष्ण नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। बोलो कृष्ण, भौजो कृष्ण, कहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो ऐसा करने से कलमश जो हो गया था समाप्त हो जाएगा। तो भीष्म पितामह शरीर त्यागने के पूर्व ऐसी दिव्य चेतना को प्राप्त कर लिए थे भगवान की कृपा से। अवश्य भगवान सबके लिए सब कुछ करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, कठोपनिषद का श्लोक है। भगवान, हम सब नित्य हैं पर भगवान परम नित्य हैं। हम सब चेतन हैं, भगवान परम चेतन है। और बहुत सारे हम हैं, भगवान अकेले हैं, पर अकेले होते हुए भी हम सब के लिए जो चीज़ चाहिए, जितनी हमारी आवश्यकता है, सबकी पूर्ति भगवान करते रहते हैं। एक स्थान पर बैठ करके ईशोपनिषद का ही तो श्लोक है, बहुत सुंदर सा श्लोक है। पता नहीं हमने किया कि नहीं किया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो श्लोक भी बहुत अच्छा है। एक मिनट, जिसमें यही बात बताई गई है। अनेज देकम, आप लोगों ने कर लिया है, अनेज देकम मनसो जवियो नयन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठत तस्मिन अपोमात ऋष्वादधाति। अपने धाम में अचल रहते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त धावकों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन्हें नहीं पा सकते। एक स्थान पर रहकर वायु और वर्षा जैसे पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं, श्रेष्ठता में सबसे आगे। तो भगवान, आज प्रश्न पूछा था सुबह के क्लास में एक किसी फातिमा ने कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, है ना? तो भगवान सब जगह रहते हैं, मैंने उत्तर दिया था। तो भगवान सब जगह रहते हैं और भगवान बहुत दूर में रहते हैं। अगर गोलोक धाम में रहते हैं तो वहाँ से भी भगवान एक सेकंड के अंदर पहुँच जाएंगे आपके पास, यदि आप पुकारिएगा तो। उनको पहुँचने में टाइम थोड़ा भी नहीं लगता है, आपके पुकार में ताकत होनी चाहिए। तो ये श्लोका हो गया। अब भीष्म पितामह के द्वारा स्तुति शुरू होगी। जैसा कि बताया गया है यहाँ पे कि भीष्म पितामह अपने भौतिक सारी इंद्रियों को रोक दिए और दिव्य स्तुति शुरू की। इसको भीष्म स्तुति कहा जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। इसमें हर एक चीज़ जितना भी है सब बहुत इम्पॉर्टेंट, सीखने लायक, समझने लायक और बहुत गहरा तत्व है। तो हम अच्छे से करेंगे इसको, आज हम शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा। श्री भीष्म उवाच। अब देखिए, बहुत लोग ना ये स्तुति वगैरह को बड़े अच्छे से राग से गाते हैं, मुझे नहीं आता। ये सर्वमयी मणिमंजरी ज़्यादा अच्छे राग से गा सकती है, लेकिन ठीक है, उसके मुँह से बाद में सुन लेंगे। अभी तो हमारा हो रहा है श्लोका भागवतम का। तो भीष्म उवाच, मैं सिंपल पढ़ूंगी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित क्वचित विहर्तुम प्रकृति प्रकृतिम उपेयुषी यत भव प्रवाह। देखिए कितना बुरा तरीका से मैंने पढ़ा। हाँ,
तो इसको अगर राग में गाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है, मगर मैं थोड़ा भी राग नहीं बिठाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है इसका, तो मैंने सीधा सीधा पढ़ दिया। अर्थ समझाती हूँ, ये आप भीष्म स्तुति मोबाइल पर डालेंगे ना तो बहुत सारे आपको राग में गाए हुए मिल जाएंगे। अगर आपको राग में गाने की इच्छा है तो भीष्म स्तुति आप डाल दीजिए, कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं गाने में, वो गा के आपको सुनाएंगे, वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। शब्दार्थ, श्री भीष्म उवाच, भीष्म पितामह ने कहा, इति इस प्रकार, मति सोचना विचारना तथा चाहना, उपकल्पिता नियुक्त करना, वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त, भगवती भगवान में सात्वत पुंगवे, भक्तों के नेता में विभूमनि परम, स्वसुखम आत्मतोष उपगते प्राप्त हुए, क्वचित कभी कभी विहर्तुम दिव्य आनंद से, प्रकृतिम भौतिक जगत में उपेयुषी स्वीकार करें, यत भव जिनसे सृष्टि प्रवाह बनी है तथा विनष्ट होती है। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता तथा अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। ठीक है, तो भगवान के यहाँ पे भगवान कृष्ण का गुणगान शुरू हो गया है। और भीष्म पितामह ने कहा, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने ऐसा कहा, इसलिए भीष्म पितामह ने क्या कहा कि अभी तक मैं जो सोचता था, अनुभव करता था, चाहता था, ये सब भौतिक कल्मश से युक्त था, विभिन्न विषयों और वृत्तियों के अधीन था। जब हम भगवान के पूर्ण चेतना में नहीं रहते हैं तो ये दुनिया में जो चल रहा है, देखिए ये जो सारा दिन टीवी देखना, यूट्यूब देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये क्या है? इस दुनिया में इन्वॉल्व होना, पूर्ण रूप से इस दुनिया में घुसे रहना, इसी को कहते हैं पूर्ण रूप से इस दुनिया में घुसे रहना। अच्छा, ये चीज़ें हमको कुछ देने वाली नहीं है, पक्का है। अगर हम न्यूज़पेपर ले लिए और सुबह उठ के, कुछ लोग सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए, कुछ लोग बाथरूम में भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेरे पापा स्वयं पूरे जीवन हमने देखा है, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ते थे बचपन से देखा है, और द स्टेट्समैन, पहले न्यूज़पेपर आता था द स्टेट्समैन, उनका फेवरेट न्यूज़पेपर बचपन से देखा है, रीडर्स डाइजेस्ट और द स्टेट्समैन, ये दो बुक हमेशा बाथरूम में रहता था भरमार लगा हुआ, इतना ज्यादा उनको शौक था पढ़ने का। और मेरी मम्मी सरिता, तो ये पुराने जमाने की बात है, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लोग, तो जब हम उठे तो पहले चाय लेंगे और न्यूज़पेपर। अब बताइए न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है उसमें क्या है? ये पूरी दुनिया में जो चल रहा है वही है, और पूरी दुनिया में जो चल रहा है उससे हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात है कि आजकल जो जो जवान बच्चे हैं उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनको इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सब चीज़, उनको नौकरी के लिए जब वो इंटरव्यू देंगे तो उनको पूछा जाता है कि जो भी अभी का करंट अफेयर्स बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स, अभी जो चल रहा है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी अभी करंट अफेयर्स में क्या है, राम मंदिर कब बना, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये इसको 5 साल के बाद यूपीएससी जो एग्ज़ाम होते हैं सब जो गवर्नमेंट के, उसमें पूछा जाएगा,
कितना तारीख को राम मंदिर बना, 22 जनवरी। तो ऐसे करंट अफेयर्स को याद करना और जनरल नॉलेज, ये सब बच्चों से पूछा जाता है। लेकिन यदि कोई उम्र जिसकी हो गई है उसको करंट अफेयर्स से क्या लेना देना है, बताइए। अभी हम जिंदा हैं और करंट अफेयर्स जान रहे हैं, कौन क्रिकेट खेल रहा है, कौन फिल्म इंडस्ट्री में है, कौन बिजनेस कर रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सब जान रहे हैं। कल हम सोएंगे और उठेंगे ही नहीं, फिर क्या मतलब है करंट अफेयर्स जानने का, बताइए, कोई फायदा होगा? तब यमदूत पूछेंगे ले जा करके कितना माला किया था, कभी माला किया था कि नहीं, कभी मंदिर गया था कि नहीं, कभी भगवान को प्रणाम किया था कि नहीं, नहीं टाइम ही नहीं मिला, क्या कर रहा था, करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। तो बताइए, वहाँ तो ये नहीं पूछा जाएगा। मृत्यु होने के बाद भगवान यमदूत के जो लीडर हैं यमराज जी, वो कहते हैं यमदूतों को, भागवतम में ही है वर्णन, जो भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करता है, कंठी पहना है, नाम का उच्चारण करता है, उसके पास कभी जाना भी मत। वो तुम्हारे दायरे के अंदर नहीं है, तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है उसके पास जाना, उसको छूना। इसी प्रकार जो कभी नहीं प्रणाम करता है वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, उसको तुम पकड़ के लाओ। तो ये दुनिया में तो चलता ही रहेगा ना, हम आएंगे और हम जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री चलती रहेगी, क्रिकेट चलता रहेगा, शेयर मार्केट चलता रहेगा, पॉलिटिक्स में सारे नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चलते रहेंगे। तो इसमें इतना माथापच्ची क्यों करना है? तो ये करते हैं लोग। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, अब मैं भीष्म पितामह की बात, मतलब उनको नहीं बोल रही हूँ, पर भीष्म पितामह भी पॉलिटिक्स में थे ना, जो दरबार बैठता था उसमें तो बैठते थे वो भी, दरबार लगता था उसमें भीष्म पितामह भी बैठते थे। जब द्रौपदी माता का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह से भी गुहार लगाया द्रौपदी माता ने, पितामह हमको बचा लीजिए। अब पितामह ने एक शब्द नहीं बोला, तो पाप के अधिकारी हो गए वो भी। पाप, अगर आपके सामने अन्याय हो रहा है और आप चुप बैठे हैं, मतलब आप अन्याय का साथ दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं पहले विषयों के अधीन था, वृत्तियों के अधीन था, अब मैं उस परम भगवान, परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में अपने चेतना को लगाता हूं। कृष्ण कौन है? आत्मतुष्ट रहने वाले हैं हमेशा, रसराज कृष्ण, रसराज कृष्ण। कृष्ण को खुश रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सदैव आत्मा राम है, अपने आप में आनंदित रहते हैं। और कभी कभी वो आते हैं क्योंकि भक्तों के लीडर हैं, भक्तों के नेता हैं, भक्त उनको प्यार करते हैं, तो भक्तों को आनंद देने के लिए वो इस जगत में आते हैं, खुद भी आनंद उठाते हैं और भक्तों को भी आनंदित करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उनका नाम ही है गोविंद, यानी सबको आनंद देने वाले, गैया को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले। हाँ, तो कभी कभी इस दुनिया में आते हैं, हालांकि पूरी दुनिया उन्होंने ही बनाई है। तो देखिए, आज हम सिर्फ श्लोक का, ये वाले श्लोक का सिर्फ कर पाए अनुवाद और अर्थ, इसका एक्सप्लेनेशन कल होगा। ग्रंथराज मद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।